जेठ सुद नौम शनिवार तारीख 28/5/66 ना दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी नु श्री ईस्ट ऑफ देश ना स्टॉक 44 और 45 पर स्वर्णपुरी में प्रवचन सरंग प्रवचन नंबर 49। नमो नो सौ हरिहंतानम नमो नो सौ सिदानम नमो नो सौ आयिरियान नमो नो सौ जयानम नमो नो सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं औषधं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलं भगवानयो मंगलं रूपमुनि मंगलं कुन्कुंडारी उजेन्द्रमो सुमंगलं नमास्मरिसाराय स्वानुभूत्या जगास्ते चित्सोहाय भवाय सर्वाः कृपाव निरुसनिदाताय समाधि स्वामी ये बना रहे ईस्ट ऑफ देश है उसका चुनाव सिद्धार्था चलते देखो। ईस्ट ऑफ देश अपना हित किससे हो उसका यहाँ उपदेश चलता है चुनाव सुना धर्मी जीव इसको कहते हैं के सामान्य चैतन्य स्वरूप अपना जो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप उसमें दृष्टि करके स्थिर होते हैं उसको धर्मी कहते हैं। समझ में आया पंडित जी रावल जी क्या समझ में आया? धर्म करने वाला का भाव अपना ध्रुव स्वभाव ऊपर झुकते हैं समझ में आया क्या मैं शब्द में हूँ हम जाए मैं मगन भाई नहीं आई 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 खाना तो नहीं टेंशन नहीं समझ में आया ये तो तुम्हारा बत्री जन ऊपर लक्ष्य झुक गया ने हम भाई नहीं हम देख रहे स्वात्म तत्व में ऐसा पहला शब्द पड़ा है स्व आत्म तत्व स्व अपना आत्म भाव विनायक परम शुद्ध आनंद ध्रुव स्वभाव उसको यहाँ स्व आत्म तत्व कहते हैं। समझ में आया भगवान आत्मा स्व अपना आत्म तत्व स्वभाव तत्व जानक दर्शन आनंद आदि कायमी असली एक रूप स्वभाव उसको यहाँ आत्म स्वात्म तत्व कहते हैं। वो शरीर वाणी आत्म स्वत आत्म तत्व नहीं पंचपाद का भाव भी आत्म तत्व यहाँ तो विशेष भाव भी आत्म तत्व नहीं ऐसे कहते हैं। समझ में आया क्या किया क्या शरीर वाणी मन तो आत्मा है नहीं अंदर पुण्य पापना भाव दया दान व्रत आदि विकल्प उठते वो भी आत्मा नहीं उसकी विशेष अवस्था जो है वो भी पूर्ण आत्मा नहीं नहीं माँ के स्वात्म तत्व ऐसा लिया है शब्द सो भगवान अपना असली स्वरूप टिकाली विनायक भाव अथवा परम परिणामिक स्वभाव स्वतः स्वभाव भाव वो स्वात्म तत्व है उसमें स्थिर हुआ उसमें धर्मी दृष्टि लगाकर स्थिर हुआ योगी योगी नाम धर्मी इष्ट उपदेश है अपना हित स्व आत्म तत्व विनायक पूर्ण अभेद एक स्वरूप
ऊपर दृष्टि लगाने से और उसमें फिर होने से अपना हित प्रयोजन शब्द का सत्यता है। अपना प्रयोजन आनंद की प्राप्ति, ये प्रयोजन स्व आत्म तत्व न्याय भाव पूर्ण ध्रुव स्वरूप उसमें दृष्टि होकर स्थिर होता है, उसको अपना प्रयोजन आनंद की प्राप्ति सिद्ध होती है। समझ में आया? उसका नाम इष्ट उपदेश, अपना हित उसमें सत्य है। जब अध्यात्म से भिन्न भगवान आत्मा एक रूप स्वभावी भगवान ध्रुव स्वरूप अनंत गुण सत्य एक स्वरूप ऐसा अध्यात्म आत्मा से भिन्न पहला कहा था स्वात्म प्रति स्थिर हुआ योगी, तो अब अध्यात्म से भिन्न अपना स्वात्मा ज्ञाय स्वभाव शुद्ध आनंद उससे भिन्न दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता, तो दूसरी जगह पुण्य पाप विकल्प आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। समझ में आया? स्वात्म तत्व चिदानंद प्रभु अनाकुण आनंद भाव उसमें स्थिरता दृष्टि करके करने वाला स्वहित साधने वाला उसको अपना आत्म स्वभाव से अन्य पुण्य पाप का शुभ आदि परिणाम में भी प्रवृत्ति होती नहीं। हरे जन भाई, समझ में आया? बहनों तो पहले सांभलना रहे तो भागे हूँ समस्या में, क्या कैसे आगे बड़ी बात हमें मानिए बड़ी उठ चली जाती है। आई तो कहते हैं देखो, तब उस आत्मा से भिन्न जब अपना स्वभाव शुद्ध ध्रुव फिर एक उसमें प्रवृत्ति होने से उसमें स्थिरता दृष्टि पूर्वक होने से अपना आत्मा शिवाय शुभाशुभ परिणाम में भी जिसकी प्रवृत्ति नहीं, तो आत्मा से भिन्न शरीर आदि सुंदर सुंदर आदि विशेषों से अनभिन्न हो जाता है। तो शरीर की अवस्था कैसी है? मनोज्ञाय का मनोज्ञाय मेरी बाहर में प्रतिष्ठा विशेष है कि अप्रतिष्ठा है? सब विशेषों से अनभिन्न हो जाते हैं। समझ में आया? मैं आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव वो तरफ का झुकाव से जिसका झुकाव अध्यात्म नाम आत्म स्वभाव से बाहर चीज ऊपर नहीं झुकाव नहीं, तो आत्मा शिवाय शरीर आदि बाह्य पदार्थ जो है उसकी विशेषता का वो ज्ञान करते हैं नहीं, विशेषता में अनभिन्न है। शरीर में कैसे होता है, शरीर कैसे रहते हैं, ठीक रहते कि नहीं, दुखते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ लगते कि नहीं, बराबर हर काम ऐसा हो गया, इस सब शरीर की अवस्था से अनभिन्न हो जाते हैं, बेखबर हो जाते हैं। हाँ, समझ में आया? और जब उनकी विशेषताओं पर ख्याल नहीं करता, खरेखर तो भगवान आत्मा अपना सामान एक रूप स्वभाव तरफ झुकने से उसकी विशेषताओं जो है पर्याय की विशेषताओं वो तरफ की उसका झुकाव नहीं है, अपना विशेष दशा उसका भी तरफ झुकाव नहीं है। समझ में आया? अरे बात क्यों कर भाई, लोगों ने सांभी नो एम लगे साथ शू थी अब वितराग नो मार घिशा मगन भाई आ सामाई कर भी पोहा करो पीड़ी पुना करो ते वहां कर ना कर हाँ यार रोट फल नो खाऊ जाओ
है जी हाँ। मैं उसमें रात को मंद हो जाए तो मिथ्या दृष्टि से पुण्य बंद जाए, बंद जाए मिथ्या दृष्टि से बंद जाए आत्मा, उसमें आत्मा का खिलवट ने खुला होता है ऐसा नहीं। समझ में आया? कहते हैं कि भगवान आत्मा, समझ में आया, अपना शुद्ध भाव स्वभाव ओ तरफ के झुकने से, और शरीर आदि तो पर है, वाणी पर है, कर्म पर है, खरेखर तो पुण्य पाप का राग उठते हैं वो भी पर है, अपना और अपनी विशेष अवस्था वर्तमान है अवस्था, वो अवस्था तो सामान तरफ ढलती है। समझ में आया? अपना झुकाव सामान तरफ है, तो अपना झुकाव पर तरफ तो नहीं, पर अपनी विशेषताओं तरफ झुकाव नहीं। भाई पहली बात भाई, हो मंगो धर्म मानस कैसे ऐसा पन प्रभु, ये तेरी चीज तो स्वच्छ ने सहज ने सरल है, पर बात इसे है कि उसने मोंगी कर डाली श्रद्धा में। समझ में आया? ऐसी चीज क्या है, क्यों प्राप्त हो, ऐसी क्यों हो, ऐसे उसने ऐसी प्रयत्न में दखल कर दिया कि महान पदार्थ मौजूद आनंद कंद सचिदानंद प्रभु, उसको सामित्व में दृष्टि में लाना चाहिए, वो सिवाय दृष्टि में राग पुण्य ने बाई सामित्व में ले लिया, वो तो उसकी दृष्टि का दोष है। समझ में आया? जिसकी अंतर दृष्टि में पूर्णानंद प्रभु सामित्व में लाना चाहिए अथवा उसका सन्मुख होना चाहिए, वही है ऐसी दृष्टि में आना चाहिए, ऐसे न मानकर दृष्टि में राग पुण्य आ हुए ऐसा उसको समीप में लाकर उसका अस्तित्व नादि संस्कार करते हैं। हम जाए कि नहीं आमा तो छोकरा हम जाए कि नहीं आमा आत्मा से ने आमा क्या आत्मा निवास है, आमा क्या शरीर दूड़ा निवास है। भगवान आत्मा उसमें दो अंश, एक त्रिकाली सामान्य ध्रुव अंश ने एक वर्तमान विशेष अंश। अरे कर्म शरीर तो कहीं पर गया और पुण्य पाप का विकल्प भी खरेखर पर आश्रम तत्व में गया। अपना आत्मा में दो अंश, एक सामान्य ध्रुव कायम और एक उसकी वर्तमान विशेष दशा अवस्था। तो जा रहे अपना कार्य सिद्ध करना है, शांति लाना है, आनंद लाना है, उत्थान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है, तो ये आनंद की प्राप्ति है। तो उसको वर्तमान अवस्था जो राग ऊपर पर ऊपर जो लक्ष्य गत है उसका अस्तित्व स्वीकारती है, वो तो दुख रूप है, वो तो मिथ्या दृष्टि बना है। उसमें सारा भगवान आत्मा एक समय में स्वात्म पूर्णानंद प्रभु की दृष्टि में अजल हो जाता है। राग पुण्य ने पर को स्वीकार करने से अपना सारा आत्मा गंगा जाता है, अजल हो जाता है। अरे जब अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद उसकी दृष्टि और ठीक करते हैं तो पर वस्तु अजल हो जाती है, पर उसका वस्तु का विशेष ज्ञान रहते हैं और अपना विशेष का भी ज्ञान नहीं रहते हैं। बराबर है, अपना विशेष सामान ऊपर रहा, सामान का ज्ञान हुआ उसमें भले विशेष का ज्ञान का प्रकाश हो, हाँ विशेष ऐसा ज्ञान करने की है उसके रहते जरूर रहती नहीं। को समझ में आया? जब उनकी विशेषताओं पर ख्याल नहीं करता भगवान आत्मा अपना तरफ ध्रुव स्वरूप कायमी असली परमात्मा स्वरूप उसके एकाकार दृष्टि करने से
उसको अपनी विशेषता भी ख्याल नहीं, तो पर पदार्थ का विशेषता तो ख्याल होता नहीं, तब उसमें राग द्वेष पैदा न होने के कारण पर की विशेषता देखने से ठीक ठीक है तो राग द्वेष होता था, मिथ्या दृष्टि बने, समझ में आया। और अपनी विशेषताओं देखने से, अपना एक समय की अवस्था देखने से, उसमें उसको आश्रय करने से राग उत्पन्न होता था, राग उत्पन्न होता था, द्वेष उत्पन्न होता था। वो अपना शुद्ध आत्म स्वभाव, कायमी चैतन्य स्वभाव, वो ऊपर लक्ष्य करने से, दृष्टि देने से, पर का विशेषता में, अपनी विशेषता में जो एकता बुद्धि राग द्वेष आदि था, और राग द्वेष उत्पन्न होता नहीं। समझ में आया? सारी बात भाई, जब विशेषताओं पर ख्याल नहीं, उसका अर्थ ही कि पर पदार्थ की विशेषता में ठीक ठीक है वो ख्याल नहीं, तो पर पदार्थ का विशेष में ठीक ठीक से जो राग द्वेष उत्पन्न था वो विशेषता का लक्ष्य नहीं, और अपना सामान का लक्ष्य है, तो पर का विशेषता में राग द्वेष होता वो नहीं होता, और अपनी विशेषता का आश्रय करके जो राग द्वेष उत्पन्न होता था, कषाय उत्पन्न होता था, कोई सामान का आश्रय करने से अपना विशेष का आश्रय छोड़ दिया, तो उसका भी राग द्वेष उत्पन्न होता था ये होता नहीं। समझ में आया? अरे भाई आप बातों से आ यहाँ विषय, सम्यक दर्शन का विषय को, चारित्र का विषय को, ज्ञान का विषय को, दर्शन ज्ञान में चारित्र का आश्रय तो द्रव है। समझ में आया? तीनों का आश्रय तो द्रव है, तो तीनों का तीनों ही द्रव्य जो आश्रय लिया, तो विशेष ने पर क्या आश्रय रहा नहीं। इसके बाद फिर क्या करना? क्या करे, क्या फिर होता है, निद्रा हो जाती, क्या करना, फिर क्या करना, फिर करना क्या रहते है वो, ठीक पूछे, पीछे क्या करना भगवान आत्मा एक सेकंड के असंग भाग में पूर्ण शुद्ध ब्रह्म आनंद कण सामान्य सामान्य इतने सदृश एक रूप, उसकी दृष्टि हुई, उसका ऊपर एकाकार हुआ, तो उसकी दृष्टि सामान्य ऊपर रही, तो विशेष का ऊपर से जो राग द्वेष उत्पन्न था वो सामान्य के आश्रय से राग द्वेष उत्पन्न न था, पर शांति की उत्पत्ति और कषाय भाग के वो कहते हैं विशेषताओं का लक्ष्य ऊपर से राग द्वेष उत्पन्न था ब्रह्म सहित, ये अपना ज्ञाय तत्व की दृष्टि होने से दृष्टि पूर्वक वितरागता की विशेषता की वृद्धि होती है। समझ में आया? अरे आचार्य ये भी शैली की बात मुकी से नहीं, बहुत सुकामा सूक्ष्म यथार्थ है न, वो ही है न, सूक्ष्म को तो यही है न, दूसरी चीजें क्या है? समझ में आया? सूक्ष्म है ऐसे जानने वाला जानता है उसको सूक्ष्म क्या पड़ा है, और सूक्ष्म है ऐसा जानने वाला को सूक्ष्म क्या रहा। समझ में आया? वो तो प्रकट हुआ ज्ञायक चेतन प्रभु, जो दृष्टि में नहीं था और दृष्टि में जो वर्तमान अवस्था राजवेश के पर की दशा, उसका अस्तित्व जो था वो दृष्टि में उठ गया और प्रत्यक्ष आत्मा हो गया, ज्ञायक चिदानंद स्वरूप, ये महासत्ता स्वरूप में हूँ, ऐसी दृष्टि जम गई, तो महासत्ता प्रकट रूप ही दृष्टि में आया और अपना ज्ञान में वो ही ज्ञेय आ गया, सूक्ष्म है पर बाकी नहीं रह गया। बराबर समझ में आया पंडित जी? आ गया ज्ञान में ज्ञेय आ गया, फिर सूक्ष्म क्या रहा? ज्ञानाकार में ज्ञानाकार, ज्ञान में ज्ञेय आ गया, ज्ञेय आ है आत्मा चला गया। जैन एक ज्ञान की पर्याय में वर्तमान पर्याय का राग द्वेष का वर्तमान संयोग का ख्याल था, वो तो मिथ्या दृष्टि पड़ा था,
ओ भगवान आत्मा अजल में रह गया सारा, चिदानंद प्रभु आ वस्तु आ वस्तु आ वस्तु सामान, वो तरफ का ज्ञान झुकने से ज्ञान में सामान गिनी हो गया, बस बाकी रहा, बाकी न राग न जना ऐसा। समझ में आया? आई तो ऐसा कहते हैं कि जब विशेषताओं पर ख्याल नहीं करता तो राग द्वेष पैदा न होता, कारण कर्म से नहीं बनता। ये तो एक नास्तिक की बात किया। पहले विशेषताओं पर लक्ष्य करने से ठीक अठीक बुद्धि जो थी, ठीक अठीक बुद्धि गई और ठीक अठीक पना का राग द्वेष भी गया। अपना सामान स्वभाव पर दृष्टि करने से विशेषताओं का लक्ष्य राग द्वेष करता तो न रहा, तो उसके कारण से बंद होता था वो भी न रहा। अरे क्या हुआ क्या? बराबर तो बंद न हुआ तो हुआ क्या? अरे अस्थिपणे किंतु व्रतादि के आचरण करने वालों के अपेक्षा भी कर्मों से ज्यादा छूटता है। देखो क्या कहते हैं मुनि आदि छठे गुण स्थान में कि पांचवे में जो बार व्रत के पंच महाव्रत का विकल्प था, विकल्प मुनि को उस अंदर सामान्य में जहाँ स्थिर हुआ तो व्रतना विकल्प के स्थान में जितनी निद्रा थी उससे फिर हुआ तो विशेष निद्रा हो गई। व्रत का विकल्प छूट गया तो विशेषता निद्रा की हो गई। बराबर समझ में आया? अरे जी अकेला शब्द नॉर्थ जो बिल्कुल है कि व्रतादिति छूटे से एम नहीं आएंगे, व्रतादिति छूटने से बंद निद्रा होती है, ऐसा अर्थ है। समझ में आया? क्या कहते हैं कि जब धर्मात्मा अपना शुद्ध ध्रुव स्वरूप में लगा है तो व्रतादि का विकल्प जो पांचवें छठे गुणस्थान में व्रत का विकल्प था शुभ राग, उससे भी जब अपने सन्मुख जहां हुआ तो निद्रा विशेषता बढ़ गई। सामान्य विशेष आश्रय करने से सामान्य विशेष छठे गुण स्थान में जो विकल्प था बार व्रत का तो सामान का आश्रय थोड़ा था, और जब विकल्प रहित या विशेष आश्रय हो गया, स्वभाव का विशेष आश्रय हो गया तो विकल्प छूट गया और यहाँ विशेष दशा प्रकट हो गई, विशेष शुद्धि की प्रदक हो गई। समझ में आया? नारी मा तुम भाई आओ धर्म वितरागनो कहीं झट पकड़ा ही नहीं किसी आतो के जी प्रभु जी भाई न पकड़ा ऐसी चीज नहीं कि वो अभ्यास नहीं किया उसको उसको माचम आया नहीं माचम न आया माचम समझ में आया अने ऐसा मान रखा है ना कि आम सीखा आम होता नाम होता ना होता ऐसा मान रखा है विशेष से हम भाई लक्ष्य बार रहे उसमें कुछ धर्म हो जाएगा ऐसे मान रखा है तो विशेष से कुछ धर्म होता विशेष का आश्रय से विशेष में धर्म नहीं होता विशेष में धर्म होता है सामान का आश्रय करने से होता है। समझ में आया? विशेष दशा में विशेष का आश्रय करने से धर्म नहीं होता विशेष अपनी पर्याय दशा में आश्रय करने से धर्म नहीं होता पुण्यपाप का विकल्प का लक्ष्य करने से ना आश्रय करने से धर्म नहीं होता भाई संयोग का लक्ष्य करने से निमित्त का आश्रय करने से धर्म नहीं होता। अरे जीव भाई पर भगवान आत्मा एक समय में ध्रुव समान शुद्ध चैतन्य मूर्ति उसका लिया आश्रय विशेष है लिया आश्रय विशेष है पर विशेष सामान में लीन हुआ तो विशेष का विशेष में लग रहा नहीं। बराबर समझ में आया? हूँ कैसा मैं बुझ भाई समझाए मैं कहा समझाई हूँ माता फूट हो गई न्याय बोलू नचुमान फचुमान भरा का धरा के लिया मैं मोटी हवाई त्रिभुवन भाई है हाँ बोले मार्ग लियो फलाना में ठीक शिक्षा मीक्षा लेते हो त्या अनुमोदन करव मीठा त्या हूँ त्या ठीक पड़े है बोलते नहीं
ત્યાં સમજાય ખરું કઈ કે અમે કઈ પડીએ છીએ કઈ કામ કરીએ છીએ. સમજ માં આયા? આચાર મહારાજ ઈષ્ટ ઉપદેશ. હા, હિતકારી વાચ્ય કહેતે હૈ. વાચક તો હિતકારી, તો વાચ્ય હિતકારી કેમ હોતે હૈ? હિતકારી વાચ્ય ભાવ, તો હિતકારી ભાવ તો તિકારી સ્વાત્મ જ્ઞાયક મૂર્તિ કા આશ્રય સે હિતકારી ભાવ પ્રગટ. પર્યાય કે આશ્રય, નિમિત્ત કે આશ્રય, રાગ કે આશ્રય અપના હિતકારી ભાવ પ્રગટ નહીં હોતા. એસા ઉપદેશ કરતે ભગવાન પૂજપા સ્વામી. આ દિગંબર સંતોની મર્યાદી છે ને, પણ એને એસી વાત ટૂંકામાં એસી નાજ લેતે હૈ કે સારા બ્રહ્માંડ કો ફેર દે અંદર મેં ઘૂસ જા. તેરા દેવગુરુ ને શાસ્ત્ર કા લક્ષ કરને સે ભી રાગ હોતા હૈ લે કહેતે. સમજ મેં આયા? એ પરગ્રહ કા લક્ષ કરને સે રાગ હોતા હૈ, ઉસકા આશ્રય કરને સે ભી રાગ હોતા હૈ. રાગી હૈ સ્વભાવ કા આશ્રય સે વિશેષતા નિદ્રા કી હોતી હૈ. સમજ મેં આયા? હા, માનંદ કેવું લાગે આ વાત શું છે? આ કઈ જાતની વાત કરતા માન કે વ્રતાદી કા આચરણ, વ્રત તપ. સમજ મેં આયા? વ્રત ને તપ ના આચરણ કરવા વાળા સે ભી જ્યાદા લાભ હોતા હૈ, ક્યોંકિ વ્રત ના વખતે અપના સ્વાત્મા કા આશ્રય થા પણ અલ્પ થા, ઓર વિકલ્પ કા મેં પર આશ્રય મેં જરી વિકલ્પ ઉઠતે થે વ્રત મેં, ઇતના પુણ્યબંધ થા. उसको छोड़कर स्वात्मा में विशेष आश्रय लिया तो विशेष विकल्प छूट गया और विशेष निद्रा हो गई. समझ में आया? आश्रव रुक गया, आश्रव कारण बनता है रुक गया, और स्वात्मा के आश्रय की विशेषता का लक्ष्य न रहा तो विशेषता बढ़ गई. अपना विशेष ने परना विशेष का आश्रय न रहा और स्वात्मा का विशेष आश्रय रहा तो पर्याय में विशेषता निद्रा की सिद्धि बढ़ गई. को समझ में आते हैं? जुवानों ना हम जाए कि नहीं? जुवानों ने बराबर समझा. अब बड़ा तैयार थो पड़ती है भविष्य में बहुत झूठा हाल है सच्चारे. અરે વાત કોણ? ઉચ્ચમારી કાતા હોય વસ્તુ વિશેષ વિકલ્પ કો નહીં કરતા મતિમાન, સ્વાત્મનિષ્ઠતા સે છૂટક નહીં બંધતા ગુણવાન. એ શ્લોક કા શબ્દ હિન્દી મેં દે દીધા. વસ્તુ વિશે વિકલ્પ ભગવાન આત્મા અભે શુદ્ધ ધ્રુવ સર્પ કા લક્ષ કરને સે વિશેષ કા વિકલ્પ કા ભેદ કા લક્ષ નહીં કરતે. પર કા તો લક્ષ નહીં કરતે, પણ અપના માં પર્યાય ભેદ કા ભી લક્ષ જિસકો નહીં કર રહેતે. સમજ મેં આયા? અભેદ ભગવાન આત્મા उसका अंतर लक्ष्य करने से जो हित सिद्ध होता है तो विशेष का लक्ष्य रहते है. नहीं करता मतिमान, उसको मतिमान कहते. देखो बुद्धिमता इसको कहते हैं कि जिसको विशेष का आश्रय लक्ष्य छोड़कर सामान्य का आश्रय में पड़ा है, विशेष का भेद नहीं करते हैं और सामान ध्रुव तरफ में लीन होते हैं, उसको बुद्धिमता कहते हैं. हाँ हाँ हाँ, भले जान पड़ा उछावते हो सूक्ष्म. समझ में आया? उसकी साथ संबंध नहीं. बुद्धिमता इसको कहते हैं कि जहां सामान का लक्ष्य छोड़ देना, सामान से लाभ होता है राग से, वो तो बात है ही नहीं. समझ में आया? ભાઈ દુનિયાને સમજાવીએ ને તો એમાંથી આપણને લાભ મળે થોડો. થોડો મળતો છે દસમો ભાગ કેસા ગ્રાહ્ય.
જરા શકે છે કે જમીનમાં કોઈ વેચાણ ની ધર્મ થાય એનો દોહ ભાગ બહુ એમ કે છે મારો આ જમીન હોતી ને જમીન ધર્મ હોતા દસમાં ભાગ હોતા કહેતા છે અમારે આ પ્રવચન મંડપ થયા ને જેમ શિલાનાસ તમે કઈ દરબાર થા ભૂલી ગયા સપુ બેઠા કે અહીંયા આ ધર્મ થશે મને ઘર છે ને દસમો ભાગ તો મળશે હે ઓડી નહીં મળે હે એ આપવા વખતે એટલે અહીંયા ધર્મ કરનારા હશે તો ઠીક છે એટલો જ શુભ વિકલ્પ છે એટલું જે શુભ એટલો કર્યો હોય તો આમ લોભ મેં કે આ પૈસા નામ થશે નાનું આમ થશે અહીંયા ધર્મી જીવો ધર્મ કરશે એ ઠીક છે એવો જો શુભ વિકલ્પ હોવા હોત એટલો પુણ્ય બંધાર એને કારણે એ ન્યામ કરશે એને કારણે અહીં થાય એસા હે નહીં સમજમાં એમ યા ઉપદેશ દેને વાલે કા જો વિકલ્પ હૈ पुण्य बंध है उसमें आत्मा को लाभ कहाँ है देखो और दुनिया समझे तो उसकी पर्याय का लाभ आता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं कहते हैं ना बुद्धिमता तो उसको कहते हैं अपना शुद्ध चैदानंद में विकल्प विशेष का नहीं करते हैं विशेष का विकल्प नहीं करते हैं विकल्प करके समझाते हैं उससे आत्मा को लाभ है ऐसा तो है ही नहीं ये धनल जी पर्याय का लाभ नहीं आता पर्याय के क्या लाभ है पर की पर्याय तो उसके पास रही या उठाए विकल्प को विकल्प तो राग है तो सात्म तत्व का जितना बुद्धिमता अंदर में ठहरते हैं कोई विशेषता निद्रा होती है उसका नाम लाभ है दुनिया में अपने दुनिया ने समझाइए ने लाभ थाय अपने लाभ थाय घना ने मले ने तो अपने लाभ थाय धूल में दृष्टि मिथ्या से और प्रभाव ना हो तो विकल्प है उसको व्यवहार प्रभाव ना तो बंद का कारण है आत्मा को क्या लाभ हुआ उसने पादमूल से क्या उसका अर्थ हुआ पादमूल का अर्थ क्या है विकल्प है उसके पास विकल्प आत्मा क्यों लाभ क्या हुआ उनका पादमूल है तो उसको क्या लाभ यहाँ हुआ भगवान के समय में कक्षा ही समझ पाने आता भगवान को क्या लाभ हुआ भगवान से तो हुआ ही नहीं पर भगवान को क्या लाभ हुआ अक्षा ही समझ हुआ तो भगवान से क्या हुआ उसको पास शायद संघ तो स्वभाव के समीप दिया तब शायद संघ तो आए ये पंडित जी भगवान के पास सब तो हो जाए ये तो अपना समीप में एकाकार हुआ सामान्य पर शायद संघ तो हो गया अपने काल से हुआ है तुम्हारा निमित्त की तो कहने में आगे दूसरी चीज है जानने की क्या समझ में आया हाँ 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 लोगों ने जी ब्रह्म है कितना को अपने दुनिया समझावी ना उसमें से कहीं लाभ मिलेगा धूल में लाभ नहीं दृष्टि तेरी मिथ्या है मिथ्या ब्रह्म है श्रद्धा में है समझ में आया थोड़ा और थोड़ा ये नजीक से जिंगी वाई से जिंगी पास तड़के में ठीक है हम कह दू क्या कह दी क्या है अरे भगवान क्या देखो तो खराब पण ओ हो એના ખ્યાલમાં બેસી જાય એવી વાત હૈ ઉસકા આત્મા કબૂલ કરે મજસ્તે એસી તો બાત હૈ ભગવાન તેરી શુદ્ધતા ધ્રુવતા મેં સમીપતા સે લાભ હૈ કે વિશેષતા કે સમીપ મેં લાભ હૈ કે વિકલ્પ સે લાભ હૈ કે દૂસરા કોઈ સમજ જાય ઉસે તેરે લાભ હૈ હા 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 નહીં તો પછી કરણ તે હું કરે એમ મળી કઈ જણા કે હું ના કેતા સૌગંધન તમારા કેતો મંદિર મંદિર શું કરવા તમારા હિસાબ કોણ કરવા તે વો તો હોતા હૈ સમય મે और वो कराने वाला का जो शुभ भाव हो तो निमित कहने में अरे शुभ भाव से हुआ ऐसा नहीं अरे शुभ भाव आया बिना रहते नहीं
पण छता इस शुभ विशेष से आत्मा को लाभ नहीं, लाभ नहीं पढ़ाया बिना रहते नहीं। है हाँ, शुभ राया बिना रहते नहीं, शुभ राग से जीव को शांति का धर्म का लाभ नहीं, छता आया बिना रहते कोई व्यवहार कहते हैं उसको नाम। जिससे लाभ नहीं उसको व्यवहार कहते हैं, जिससे लाभ है उसको नीचे कहते हैं। छताया क्यों लाभ नहीं तो करते, पर आया बिना रहे नहीं। पूरण वितराग जब न हो तो ऐसा शुभ राग भूमिका के योग आता है, आओ पर उनसे लाभ नहीं। हमारी बात भाई, लाभ की हानि को करते आता है। आया नहीं करता मतिमान स्वात्मनिष्ठता से छूटक आ ये शब्द। भगवान आत्मा स्व आत्म तत्व की निष्ठा निष्ठा स्थिरता उसमें एकाग्रता से छूटता है, बस एक बात। नहीं बंधता गुणवान, उसको गुणवान को बंधन होता नहीं। को समझ में आया क्या गया भैया? वो अलवर जवान है क्या, आया नहीं है क्या? अलवर नायन तो हम साथ से नहीं को नहीं है, है? बाहर बैठे थे नहीं है लगता। वो गाता चुमारी होगी पिस्तालीस पर तो दुखम आत्म एव आत्मा तथा सुखम तथ तथेव आत्मा तत्म कृत उद्यम। ओहो देखो पिस्तालीस में क्या कहते हैं, दूसरा दूसरा ही है। आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध ध्रुव स्वरूप परमानंद मूर्ति, उससे पुण्य पाप का विकल्प शरीर वाणी कर्म स्त्री कुटुंब परिवार देवगुरु शास्त्र पर ते पर ही है। देवगुरु शास्त्र पुण्य परिणाम भी पर है, तो परिणाम का निमित्त हो तो भी पर है। दूसरा दूसरा ये दूसरा इसलिए अपना शुद्ध ध्रुव स्वरूप ओ शिवाय दूसरा पुण्य पाप का भाव सुभाषो शरीर देवगुरु शास्त्र प्रतिमा देरास समेत शिखर ने भगवान का समोषण ये सब पर ही दूसरा दूसरा ही है। इसने उससे दुख होता है और दूसरा का अपने अपनाने से दुख होता है। अपना ध्रुव शुद्ध स्वभाव में दूसरा मेरा है, इसका अपनाने से दुख होता है। वो समझ में आया? हाँ ये वो अच्छे है। मैं तुम्हारे मित्र ने पूछो पैसा थी नहीं आए तो देव गुरु ने शास्त्र ना लक्ष्य करवा थी दुख से परद्रव से माटी बराबर। पैसा तो क्या ही दूर रह गई ए मलचंद है। अपना आत्मा शिवाय जितना दूसरा दूसरा नाथ अपना बे भाई है, अपना आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप ओ शिवाय दूसरा पुण्य पाप राग सर्व पदार्थ देव गुरु शास्त्री श्री कुटुंब परिवार समेत शिखर ने क्षेत्र हो जाए। इसने उससे दुख होता है क्योंकि दूसरा को अपने में मानने से दुखी होता है, क्योंकि दूसरा अपना होते नहीं, अपना स्वरूप पर रूपे कभी होते नहीं। तो पर रूप जी पर रूप है उसको अपना में अपनाने से मेरा है, मेरे लाभदायक है, मेरे आश्रय करने लायक है, ऐसा दूसरा को अपने मानने से दुखी होता है।
समझ में आया। दूसरी भाषा कहिए तो अपने सिवाय दूसरा पदार्थ को अपने मानने से मिथ्यार्थ की आकुलता उत्पन्न होती है। समझ में आया। दूसरा ही है इसलिए उससे दुख होता है, क्योंकि दूसरा अपने से भिन्न भिन्न ही है। ये अपने में को लाभ करने वाला है, अपना है ऐसी मानता दुख रूप उत्पन्न करने वाला है, पुरता दूसरा दुख रूप ऐसे कह दिया। मिथ्या भाव पर को अपना मानते हैं ये दुख रूप है, तो पर पदार्थ का अपना पर पदार्थ भी दुख रूप है, निमित्त से वो पर पदार्थ दुख रूप है। समझ में आया। हाँ, ईश्वर उपदेश है। आत्मा आत्मा ही है इसलिए उसे सुख होता है। भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान मूर्ति प्रभु आत्मा उसको आत्मा कहते हैं। कि आत्मा अपने से आत्मा को माना तो क्या सुख होता है? आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप ही मैं हूँ ऐसी दृष्टि करने से आत्मा आत्मा का हुआ क्या आनंद होता है? समझ में आया। दिगंबर आचार्य नो नानो ग्रंथ छोटा ग्रंथ दूसरी चीज। समझ में आया। दूसरा ही है इसमें उससे दुख होता है। एक ने बे बस बात एक ने बगड़े बे समझ में आया। क्या कहते तुम्हारा अंक में एक और बगड़े का दो वो बगड़े बगड़े ही बगड़े के बगाड़ था है। समझ में आया। अपना भगवान आत्मा विनायक चिदानंद आनंद स्वरूप उससे दूसरी चीज वो अपने मानने से बिगाड़ होता है, मिथ्यात का लाभ होता है। समझ में आया। क्यों पंडित जी क्या हुआ पंडित में? भगवान को अपना मानना में दुख है? बिगाड़ है ले। एकत्व बुद्धि नो पर दूसरा अपना मान्या तो दूसरा तो है नहीं अपना, और उससे लाभ दूसरे से अपने में है ही नहीं दूसरे से लाभ। साक्षात भगवान त्रिलोकनाथ होके वाणी होके वाणी पर में नहीं आती है। अरे सुना नहीं वितराग मार्ग सुना है लोगों ये अरे ये लोगों कहते हैं कि दीव ध्वनि से लाभ नहीं होता है। भगवान दीव ध्वनि तो पर में गई। समझ में आया। ये पर के आश्रय से तो दुख ही होता है। राजना कहने मान नहीं कहते कहो भगवान पास जाकर पुष्पा जमीन को कैसा क्यों समझ भाई भाई आ तो ठरने की चीज है ध्रुव, अंदर समझीने समाज जाने की चीज है, खुद का मारने की चीज नहीं। कहते हैं कि आत्मा आत्मा ही है इसने उसे सुख होता है। दो बात क्या भगवान आत्मा इसको कहते हैं, पुण्य पाप तो आश्रय है, शरीर आदि अजीव है, पर तो पर ही है। तो आश्रय से मानकर पर पदार्थ अपना ज्ञाय स्वभाव में अपना मानना वो मिथ्यात का दुख है। अने भगवान आत्मा शुद्ध ध्रुव ज्ञाय में हूँ आत्मा को आत्मा मानना सुख की उत्पत्ति है, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति है, अर्थात आनंद की उत्पत्ति एम कहते हैं। समझ में आया। इसलिए आ कारण से कारण में क्यों
आ कारण से आ हेतु से ऐसी वस्तु की स्थिति होने से महात्मा ने उन्हें आत्मा के लिए उद्यम किया। लो संतो ही धर्मात्मा ही अपना आत्मा के लिए अंतर में उद्यम किया, अंदर में समाने का उद्यम किया, बाहर आने का उद्यम उसने छोड़ दिया। समझ में आया? तीर्थंकर गोत्र बांधे तो केवल हो जाए, बाहर का अलग से तीर्थंकर तो बांधते पुण्य भाव से। आए तो कहते हैं कि पुण्य भाव दुख रूप है, बराबर ये समय में दुख रूप है, ये दुख रूप है वो सुख का कारण होगा। लिखा है शास्त्र में तीर्थंकर प्रकृति परंपरा केवल ज्ञान का कारण है, टीका में लिखा है सुन तो सही हवे। समझ में आया? वो तो जैसा ऐसा भाव आया था है तो दुख रूप आश्रय भाव, लोगों जैसा समझे कि परदृश्य उसको समझे तो मेरे लाभ की दृष्टि तो मिथ्या है, पर ऐसा भाव नहीं छता जितना परदृश्य का आश्रय भाव हुआ दुख रूप है। ओ कारण आत्मा आत्मा का आश्रय लिया और अपना आत्मा शुद्ध को शुद्ध रखा अपना आया सुख होता है, उसको मोक्ष मार्ग होता है, पर को अपनाया उसको बंद मार्ग उत्पन्न होता है, एम कहते हैं। बराबर समझ में आया? गुरुदेव अपना भगवान शुद्ध चैतन्य आनंद उसको अपनाना, कोई मैं हूँ आ आदि राग आदि मैं नहीं तो सुख की उत्पन्न होती है, सुख की उत्पत्ति होती है, अर्थात सम्यक दर्शन सत ज्ञान सत चारित्र नाम तीनों शांति रूप है उसकी उत्पत्ति होती है। और पर वस्तु से मेरे लाभ पर है तो मेरे लाभ ऐसी दृष्टि से मिथ्यात नैराग द्वेष का लाभ होता है, दुख का लाभ होता है। राज नागते हैं पंडित जी, तुम कहते बड़ा पंडित दूसरा है, मौत कैसे पंडित, अरे ये काम हो गई थी, अरे कांजी स्वामी, पर कांजी स्वामी ने क्या था, तो भगवान का है। आज पर पुकार करते आ गया था क्या है, देखो विशेषता का आश्रय छोड़ दिया तो ये सोने पर दो का भेद पढ़ देते हैं। समझ में आया? जिसको स्वात्म का हित करना हो उसको आत्मा का स्वभाव शिवाय दूसरा विकल्प से मानकर पर पदार्थ को अपना मानना नहीं, अर्थात उसका लक्ष्य से उसका आश्रय से मेरे लाभ होता है मान का मिथ्या का दुख उत्पन्न करती है। हाँ 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 है अजब गजब नहीं, विपराज मार्ग है ना भैया, तो कहीं विपराज मार्ग है। राग का उत्पन्न होना व्रत का उपदेश का दूसरा का हित क्यों हो ऐसा विकल्प का कोई बंध का कारण है, दुख का कारण है, ये अपना स्वरूप नहीं। भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुगताम बीजो कहिए केटलू कर विचार सो पाए, श्रीमद कहियो ने श्रीमद मारे आत्मसिद्धि में उसने बनाया। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम कर विचार तो पान सुनाया एना अर्थ ही समझता नहीं, श्रीमंत शू कहवा मांगे थे एमने पोते पक्ष बांधी वाड़ा बांधी पीड़ा ये जानाई बधु जो नहीं
આ તો વિકરાળ માર્ગ છે બાપા. અહીં કઈ વારાની પક્ષ ની વાત નથી, કોઈ વ્યક્તિ પૂજા ની વાત નથી. વ્યક્તિ આત્મા આપની પૂજા કરે ત્યારે દેવગુરુ શાસ્ત્ર થી પૂજા કા સ્વભાવ યથાર્થ હતા. વિષદ અર્થ પર દેહાદિક અર્થ પર્યાય, પર દેહાદિક અર્થ એટલે પદાર્થ, પર્યાય પુન પાપ કા ભાવ ભી પદાર્થ હૈ, શુભ શુભ ભાવ હોતા હૈ એ ભી પર પદાર્થ હૈ. દેહાદિ મેં સબ લે લેના, અહીં તો અશરીરી ભગવાન, અહીં શરીર સાથે આ સબન, અહીં અશરીરી કિલા આત્મા. દેહાદિ અર્થ નામ દેહ વાણી પુન પાપ કા ભાવ દેવગુરુ શાસ્ત્ર સમિત શિખરને જેતરું જો સિદ્ધગીરી, સિદ્ધગીરી કેટલાક સિદ્ધગીરીમાં મુખ જાય, સિદ્ધગીરીમાં રહે ને ઓલા કાશીમાં જાય તો પર્વત મુકાવે તો એ તપ થાય થાય વિષ્ણુમાં. એમાં સિદ્ધગીરીમાં જો મરણ થાય અહીં કે મૂંડ હે સિદ્ધગીરી તો આ આત્મા સમજમાં આયા. જીસમે સે સિદ્ધ પર્યાય પ્રગટ હોતી હૈ ભગવાન સિદ્ધગીરી હૈ. એ હે સિદ્ધાલય આત્મા, સિદ્ધાલય આત્મા પોતે હે. સમજમાં આયા? આ ઉસકા સમીપ મેં જાય ઉસકો સિદ્ધિ હોતી. એકલા સિદ્ધાલય ન્યા હેઠે માથા પડે લુંગર મેં હેઠે ઉપર જાય, 99 વાર જાય ને આવે હેઠે ઉતરે, 99 વાર પૂર્વ ઉત્તર જીન ઉતર્યા થાય એમ કે છે. આવે છે ને તમારે પૂર્વ 99 વાર ઋષભ જીન ક્ષેત્રું જે ગયે છે તો આપણે 99 જાત્રા કરીએ તો આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. 99 તારી ક્રોધ 99 કરે તો તું છે નિર્દ્રા ને ધર્મ નહીં લે. હે તેથી હું થયો તો તમારા પિતાશ્રી બરાબર એ વાત થઈ હતી પહેલા વહેલા આવ્યા ને પણ ક્યાં કીધું હાય હાય હાલો ત્યાંથી આવ્યા ને વાત આ નીકળી. એ લોકો તમે કહે છે ક્રોડ ક્રોડ પૂર્વ પૂર્વ આવે છે ને એટલી વાર ત્યાં આવ્યા છે ઋષિ ભગવાનનું ક્ષેત્રું છે તો એવું માટે સિદ્ધગીરી આવી માટે ત્યાંના બસ ચરણ એની કરે સેવા કરે ત્યાં જાય તો મુક્તિ હો જાય. આ લોકો કે સમિત શિખર ને એક વાર વંદે જો કોઈ ક્યાં આયા પણ એક વાર ભી વંદે કોઈ સિદ્ધ ભગવાન શુદ્ધ ધ્રુવ સિદ્ધાનંદ પ્રભુ આ ઉસકા આશ્રય એક વાર લે તો જન્મ મરણ કા નાશ હોય બિના રહે નહીં. અહીંયા હે સમિત શિખર તો આ હે સમિત શિખર વિતરા કા શિખર હા પરમાત્મા કેતે દેહાદી પરી હૈ કિસી તરહ સે ભી ઉને આત્મા આત્મા કે સદૃશ નહીં બનાયા જા સકતા. ક્યા કહેતે હૈં? કોઈ રીતે ભી આત્મા કો પર ચીજ રૂપે બનાયા નહીં જાતા. આત્મા ને આત્મા કે સદૃશ પુણ્ય પાપ કો આત્મા ને આત્મા કા સરખા પણ પુણ્ય પાપ પણ પર પદાર્થ કો બનાયા નહીં જાતા. આત્મા વિનાયક ચૈતન્ય ભગવાન પ્રભુ ઉસ સિવાય દુસરે પુણ્યપાપ દેવગુરુ શાસ્ત્રાર્થ સબ ઉસકો આત્મા આત્મા કા સદૃશ નહીં બનાયા જા સકતા. આત્મા અપના ભિન્ન તત્વ હૈ વો પર કો આત્મા બનાયા જાતા નહીં ને આત્મા કા સદૃશ ભી બનાયા જાતા નહીં એમ કહેતે હૈ. એસા ઉસકા જૈસા તો હૈ કે નહીં? નહીં, પર ઉસકા આત્મા જૈસા હૈ નહીં. ભાઈ ભગવાન હે ને તીર્થન કરે તો આપના જૈસા હૈ ને આ આત્મા જૈસા હૈ કે નહીં? નહીં. હા 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 સાહેબ દિગંબર સંતુ આ વાત કરે હો માર હાર જગત ને ક્યુ હોતા હૈ સમાજ તુલના રહેતી કે નહીં? સમાજ મેરી ચીજ સુનને સે વિષમતા ઉત્પન્ન કરેગી કે નહીં? એ માર જૈસા હૈ. આયમ કા સત્ય કા રસ કા ઉદઘાટન હો હૈ સમાજ સંભાવે રહો સુસંભાવ હો ઉસકી સા સંબંધ નહીં. સમજ મેં આયા? પણ પાછા ઓલા બીચ મેં આયા બિના રહેતે નહીં ભાઈ. એ પણ જેની નવ વ્યવહાર માને તો મોઈ મૂંડ હૈ. વ્યવહાર તરીકે વ્યવહાર માનના બરાબર હૈ, આદર નહીં. સમજ મેં આયા? પણ વ્યવહાર તરીકે વ્યવહાર હે શુભરાજ હે પૂજા હે મુક્તિ આદિ કા લક્ષ્ય વ્યવહાર તરીકે વ્યવહાર હે હે કમાન માં
समझ रहे हैं, ऐसा मानना पर आदरणीय मानना। अरे वाह भाई, मियादी अर्थ पर यह किसी तरह से कोई रीते उन्हें नाम पुण्य पाप आदि परद्रव्य को आत्मा और परद्रव्य को आत्मा के सदृश बनाया नहीं जाता। तो सीज को भी आत्मा के जैसा बनाया जाता है कि नहीं? पर है ठीक है, जो न मार तो पहले अगर वह था विष्णु हो उसमें था या नहीं, न पुराना दिगंबर को बैठती नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा एक समय में पूर्णानंद प्रभु ऐसा आत्मा को ऊपर को अपना आत्मा जैसा के आत्मा पणे बनाया नहीं जाता, पर तो पर रूपे रहते है। जिन प्रतिमा जिन सारखी जिन सारखी हम कहीं से नहीं, जिन सारखी बनाई नहीं जाती कैसे वितराग पने वो बनाई नहीं जाती है हम कहते हैं भाई। जिन प्रतिमा जिन सारखी थी क्या वितराग सरखी से बनाई जाती है? वितराग भाव जो अपना स्वभाव है उससे वो बनाई जाती है कि उसको ऐसा बनाओ, वितराग भाव ऐसा बनाओ अपना स्वभाव उसको बनाओ, क्या से बने? पर देहादिक अर्थ पर ही है किसी तरह से कोई रीति कोई पण प्रयत्न से कोई पण प्रकार से कोई पण उद्यम से उन्हें आत्मा ऊपर को आत्मा और आत्मा के सदृश बनाया नहीं जाता। जब कहता है तब उनसे दुख ही होगा। देखो जब अपना आत्मा पर को अपना आत्मा बनाया नहीं जाता, पर को अपना आत्मा के सरखा बनाया नहीं जाता तो पर से दुखी होता है। छोकरा उठी दुखे थतु मलिक में पैसा थी छोकरा उठी भाई छोकरा देव गुरु शास्त्र ते आई तो दुख चैन के दुख हा 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 नहीं सुख हा पर पदार्थ को अपना जैसा अपना ने अपना जैसा बनाया नहीं जाता तो पर के आश्रय से तो दुखी होता है। आकुलता ही उत्पन्न होती है, विकल्प ने राग ही उत्पन्न होता है, राग ही दुख रूप है। उसे कहा है वो समाधि सत्र में जो को वृक्ष को अग्नि लगाने से रोता होता है और विवाह से न कहीं जैसा ध्यान करने से भी अवसर होता है ऐसा गाथा है दो अपने वृक्ष में अग्नि लगने से वृक्ष बोल जाती है अपने से घर्षण कर और वो सीध का दर्शन करने से ज्यादा हाँ जी हाँ जी। पर इसका अर्थ क्या? ये चीज है सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा मेरा चीज मेरी बात मेरी मैं हूँ ऐसा अपना अपना स्वरूप को अपनाने से अपने को धर्म शांति होती, पर को अपनाने से ऐसा कभी हो सकते नहीं। समझ में आया? ये तो दुखी होता है। हमें उसका कारण बताते हैं।